अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मेरा नाम तो जमल है और आज हम साथ साथ खेलेंगे पबजी, वो भी टेक्नो के कॉमन 18 टीम है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पबजी टेस्ट इसका कर दे, कैसा देखने को मिलती है, जारो कैसा है, इसमें आपको टेम्परेचर कैसा देखने को मिलता है और इसमें ग्राफिक्स कैसे देखने को मिलते हैं। तो बैक पर काफ़ी सारे फिंगरप्रिंट्स मजीद आ जाते हैं, शाइनी बैक है, तो साथ में जो आपको सिलिकॉन प्रोटेक्टिंग केस दिया गया है वो लाजमी लगा लेना। तो इस फ़ोन में आपको मीडिया टेक का हीलियो G85 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अंतु बेंचमार्क की सबसे पहले बात करें तो अंतु बेंचमार्क 1,84,000 के अराउंड आते हैं। तो G88 की बात करें तो वहाँ पर आपको 2,00,000 प्लस देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा आपको इम्प्रूव देखने को मिलता है। लेकिन आज के वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं पबजी का, तो सबसे पहले चेक करते हैं इसका ऑन टाइम, आपको पबजी में इसका ऑन टाइम कैसा देखने को मिलता है। ओके, तो 32 सेकंड के अराउंड ये टाइम लेता है, 32 सेकंड के अराउंड आपका स्मार्टफोन दोबारा से स्टार्ट कर सकता है इसको पबजी को। सबसे पहले आपको दिखा दूँ इसमें जारो देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता, तो आपको मैं बता दूँ इस फ़ोन में आपको जारो हार्डवेयर बेस भी नहीं देखने को मिलता, ना ही सॉफ्टवेयर बेस देखने को मिलता है। अगर तो आप जारो प्लेयर हैं देन आपको मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करने वाला ये स्मार्टफोन आप लें। तो सबसे पहले हम बात करें इसके ग्राफिक्स की, स्मूथ पर आपको अल्ट्रा, बैलेंस पर अल्ट्रा और HD पर हाई ग्राफिक्स पे आपको पबजी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम स्मूथ पर अल्ट्रा पे खेलेंगे और आपको बैटरी पहले बता दूं तो 46 के अराउंड आपको बैटरी देखने को मिल रही है, तो देखते हैं कि कितनी देर में बैटरी लॉस करता है। तो सबसे पहले हम एक अरीना ट्रेनिंग खेलते हैं और देखते हैं क्या सीन रहता है। ओके, तो हमने एक अरीना ट्रेनिंग खेल लिया, हम हार गए हैं, 45% बैटरी थी और 45% देखने को मिली, मतलब 4 मिनट हमने खेल लिया, 5 मिनट होने वाले हैं, 5 मिनट में 1% भी डाउन देखने को नहीं मिला। एक अरीना खेला है अभी तक कोई भी डाउन नहीं गया, तो ऑलमोस्ट बैटरी इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। अब फिर से हम एक अरीना खेलते हैं और देखते हैं कि कैसा सीन देखने को मिलता है। इस बार मैं इसको फुल हाई ग्राफिक्स में करूँगा, HD पर हाई ग्राफिक्स में देखते हैं कैसे आपको शार्पनेस देखने को मिल रही है और कैसे रेंडर करता है ये। तो खेलते हैं एक और अरीना ट्रेनिंग। ओके, कलर्स की बात करूँ तो कलर्स ठीक ठाक देख रहा हूँ मेरे, शार्पनेस वो भी अच्छी है, डिटेलिंग भी अच्छी है, और ये वुड की डिटेलिंग देखो भाई काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो अब खेल के देखते हैं HD हाई पे कैसा आपको देखने को मिलता है। ये भी हम हार चुके हैं यार, 10 मिनट हो गए हमें खेलते हुए। बैटरी की बात करें तो 43 पे आ गई, 44.5 पे थी, तो 2% का आपको डाउन देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक आपको ये पबजी का डाउन देखने को मिल रहा है, मतलब बैटरी इसकी काफ़ी एफिशिएंट है। एक आप अरीना ट्रेनिंग खेलोगे तो 1% ड्रेन देखने को मिल जाएगा। और हीट की बात करें तो बिल्कुल ठंडा फ़ोन देखने को मिल रहा है, कोई भी हीटनेस आपको देखने को नहीं मिल रही। अब हम खेलते हैं एक बड़ा इरेंगल और देखते हैं उसमें कैसे ये ग्राफिक को रेंडर करता है HD हाई पे। तो स्मूथ अल्ट्रा पे इस बार खेलूँगा मैं, स्मूथ अल्ट्रा पे खेल के देखते हैं कैसे रेंडर करता है ये। अभी हमने ये चलाई है स्मूथ अल्ट्रा पर, तो अगर आप तो ये स्मार्टफोन लेते हो ना HD हाई पे तो भूल जाओ भाई, HD हाई पे अच्छी नहीं चलती, स्मूथ अल्ट्रा पे आप खेलते हो तो ठीक ठाक चलती, कोई लैग नहीं है, ना ही आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलते हैं। तो अगर स्मूथ अल्ट्रा पे खेलनी है तो आप डेफिनेटली खेल सकते हो, लेकिन फिर भी हम HD हाई पे करेंगे क्योंकि हमने तो परफॉर्मेंस देखनी है। तो फुल HD हाई पे करता हूँ और जंप करके देखते हैं क्या सीन रहता है। ओके, कलर्स तो भाई काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और नीचे जो चीज़ें हैं वो भी इसने रेंडर कर ली हैं अभी से, तो ऑलमोस्ट HD हाई पर भी अभी तक ठीक चल रहा है, कोई भी लैग नहीं है इसमें। यार वो अरीना ट्रेनिंग में लैग करता होगा लेकिन इसमें तो ठीक चल रहा है।
लो जी, हमें कोई गन ही नहीं मिली। बाकी ऑलमोस्ट अच्छा चल रहा है यार, कोई इशू नहीं है। ये थोड़ा सा रेंडर करने में इसने देर ली है, अभी भी ये रेंडर कर रहा है, तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं रेंडर। SLR हमें मिल चुकी है। चलो बॉट आ गया, हमने एक बॉट मार लिया। एक और यहाँ पे है कहीं, तो उसने हमें गाड़ी से नीचे उतार दिया है। तो 26 मिनट का राउंड हमने खेला है, तो अभी 39% पे, मतलब 6% का राउंड आपको डाउन देखने को मिला 26 मिनट अगर खेलेंगे तो। 26-30 मिनट का एक अरीना होता है, 6-7% के राउंड जाती है, तो 5000 mAh की जो बैटरी होती है ऑलमोस्ट इतना ही आपको पबजी बैकअप देती है। ओके, तो पबजी की बात है तो फाइनल मेरे वर्डिक्ट यही है, इस फ़ोन में पबजी ठीक ठाक चल जाती है। मतलब इस प्राइस टाइम में G85 और G88 ही आपको देखने को मिलते हैं, तो G88 जितनी आपको परफॉर्मेंस ये स्मार्टफोन दे देता है। तो ऑलमोस्ट पबजी अगर आप स्मूथ पर अल्ट्रा पे खेलेंगे तो ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इसको ग्राफिक HD हाई पे करते हैं देन आपको जो अरीना टेन है उसमें थोड़ा थोड़ा लैग देखने को मिलेगा, और जो बड़ी वाला मैप होगा रेंगल वगैरह उसमें ठीक ठाक चल जाती है। तो अगर आप इसको कैमरा के लिए कंसीडर करना चाहते हैं और साथ में आप गेमिंग करते हैं देन आप डेफिनेटली इस डिवाइस को परचेज़ कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो, क्या लगा अच्छा आपको इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हाँ, इसमें हार्डवेयर बेस आपको जायरो नहीं देखने को मिलता ना सॉफ्टवेयर बेस देखने को मिलता है, तो जायरो प्लेयर हो तो डेफिनेटली आप इसे मतलब साइड कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।